इतना ही तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है? अगर भरोसा नहीं होता ना करिश्मा, तो मैं तुमसे बात करने के बजाय आसमान से बात करती। तुम ही तो कह रही थी कि तुम सिस्टर से बात करना, तो कर लो ना। मैंने कहाँ रोका है, मुझे आरती आंटी से बात तो करने दो। तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? और नहीं बैठा जाता ना चुपचाप, तो जाओ बाहर। देखो आसमान, अगर तुम चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो तुम्हें करिश्मा से रिश्ता तोड़ना होगा। अब आज कितना खाऊंगा? डॉक्टर ने बोला कि आपको रोज एप्पल दो खाने चाहिए कम से कम। आप इस तरह से करेंगे? आप बैठे, मैं देखती। रूमी, आरती कैसी हो? भाई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? प्लीज आप बैठ। जी, आपकी सहेली पूरे दिल से अपना धर्म निभा रही है। देखिए, सारा काम वाम छोड़ के घर में एप्पल खा रहा हूँ। इसे समझाइए, क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? मुझे ऑफिस जाने दे, वरना घर में बैठा बैठा मैं बोर हो रहा हूँ, बीमार हो जाऊंगा ऐसे तो। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इतनी मुश्किल से सेवा करके इसने आपको ठीक किया है, अब फिर से बीमार नहीं पड़ने देगी। अरे कितनी सेवा करेगी लेकिन? और ये 22 साल का कोटा पूरा कर रही है, और वैसे भी इसका अधिकार है आपकी सेवा करना। जी। और सुनाइए, सब कैसे हैं? सब भगवान की कृपा है। और हमारे यहाँ देवी की कृपा। आप भी ना। आप लोग बातें कीजिए। सच भूमिका, तुम्हारे आने से बहुत खुशी मिलती है। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती। अरे आरती, मैं चाय पीने नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। तुमसे मिलने का बहुत दिनों से मन था, पर इनकी वजह से घर से ही नहीं निकल पा रही थी। हाँ, टाइम कैसे मिलेगा, 22 साल की कसर जो पूरी कर रही है। क्यों शर्मा रही है? ये मेरी सहेली भूमिका। हेलो। ओह, तो आप भूमिका हैं? के बारे में बहुत कुछ सुना था। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात भी हो गई। दीदी। हाँ, कुछ कह रही थी। देखो भूमि, भगवान भली करे, ऊपर वाले ने सबको अक्कल दी है ना, अच्छा बुरा समझने के लिए, इज्जत संभाल कर रखने के लिए। पर ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, इसे इज्जत और जिल्लत में फर्क ही समझ नहीं आता। अरे अब तो मुझे शर्म आ गई ताना मारते मारते, लेकिन ये है कि इसे कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। ये आप लोगों के घर का मामला है, मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं तुम्हें कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसे समझाने के लिए कह रही हूँ। इसे समझाओ, जो रिश्ता 22 साल पहले टूट चुका है, अब उसे दोबारा जोड़ने से क्या मतलब? रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, भगवान ने जब इन दोनों का रिश्ता बना दिया है तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और हाँ, क्या कहा था आपने? भगवान भली करेगा। भगवान तो भला करेगा ही, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जिनका दिल साफ है। आज मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही। सच में भगवान भली करे। आरती, आरती प्लीज रोना बंद करो। 22 साल बाद तुमको ये खुशी मिली है, तुम उसको ऐसे मत जाने दो। संभालो।
निशान तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही थोड़ा अकेलापन लग रहा था। क्यों? बस मम्मी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ। प्रतिष्ठा, उनके बारे में तुम इतना क्यों परेशान हो रही? वो जहाँ पर भी है खुश, ठीक है, उनके बारे में इतनी टेंशन मत लो। अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि वो परेशानी में? क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी परेशानी उनके साथ ही रहती है, वो लंदन वाली। फिर तो उनकी परेशानी बहुत महंगी हुई ना, लंदन से जो आई है। मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो जाती है? मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम मजाक कर रहे हो? अच्छा चलो, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि वो परेशानी, तो तुम अब क्या करोगे? मैं उन्हें वापस ले आऊंगी, उन्हें और इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। प्रतिष्ठा बस अब बहुत हुआ, तुम अपनी मम्मी की नैया डुबाना चाहती हो? वो वहां पर खुश है, तुम बेकार में अपने पिता और अपनी माँ के बीच में दखलंदाजी क्यों कर रही? तुम इसे दखलंदाजी करना कह रहे हो? वहाँ सिद्धांत सर की बहन ने मम्मी का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम्हारी मम्मी ने या सिद्ध सर ने? अब मम्मी के मुंह में तो जुबान है नहीं, और सिद्धांत सर खुद से तो अपनी बहन की बुराई करेंगे नहीं। वाह प्रतिष्ठा वाह, अगर तुम्हारे में जरा सी भी अकल है ना, तुम ये ख्याल अपने दिल में फिर से लेकर नहीं आओ, और ना ही अपनी मम्मी को घर पे लाने की फोर्स करो। तुम कहना क्या चाहते हो? आंटी को जबरदस्ती बांध कर रखा गया है क्या? नहीं ना, तुमने कई बार अपनी मम्मी को घर लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम थी। क्यों? जिस घर को तुम नर्क समझ रहे हो वो उनके लिए स्वर्ग है, क्योंकि इतने साल अपने पति से अलग रहने के बाद उन्हें उन्हें वो सुख मिला, उन्हें वो प्यार मिला, और तुम उनसे ये सब छीनना चाहती हो? किस लिए? उन्हें उनसे क्यों अलग करना चाहती हो प्रतिष्ठा? उन्हें इस घर में भी बांध कर नहीं रखा गया है, उन्हें रोका नहीं गया है घर वापस आने के लिए। लेकिन प्रतिष्ठा, कई बार कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तुम्हें उनकी खुशी देखनी चाहिए ना कि अपनी जिद। और अगर आंटी के लिए वो घर नर्क होता तो कब का वापस आ चुकी होती प्रतिष्ठा। लेकिन नहीं, क्या उनके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए? नहीं ना, तुम अपने पिता से नफरत करती हो, वो अलग पहन, लेकिन तुम अपने मम्मी को अपने पिता से अलग मत करो प्रतिष्ठा। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन तुम्हारी मम्मी को ये सुख कितने सालों बाद मिला। तुम ये हक उनसे छीनोगी तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। जानती हूँ निशान, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं? रह रहकर मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते ही रहते हैं। प्रतिष्ठा, जब ये ख्याल तुम अपने मन से निकाल दोगी ना, और ये मान लोगी कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पिता एक दूजे के लिए बने, जैसे कि हम, उस दिन ऑटोमेटिकली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा अभी तुमने? हम दोनों? दिमाग तो ठिकाने पर है ना प्रतिष्ठा, बस तुम्हारी यही आदत, तुम सारी चीजों को एक ही नजरिए से। मेरे कहने का ये मतलब था कि ना ही तुम मेरे बिना रह सकती हो और ना ही मैं तुम्हारे बिना अलग रह सकती। भले हमारा रिलेशन एक प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन यही सच्चाई है। तुम्हारा तो मुझे पता है, लेकिन मेरा गुजारा तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है फिर, देख लो अपने लिए कोई दूसरा दर्जी। हाँ तो ठीक है, कल ही लाइन लगवा दूंगी। ठीक है फिर, जब तुम लाइन ही लगा सकती हो तो मेरी जरूरत क्या है यहाँ? मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, बुरा लगा? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बैठो ना। मुझे भले ही हजारों दर्जी मिल जाए, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त कभी नहीं मिल सकता। देखा, तुम्हें ये बात माननी पड़ी ना कि दर्जी तो तुम्हें हजारों मिलते, लेकिन निशान
अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, मैं हारी तुम जीते, अब खुश? आपके पास बैठी और आप छोड़िए किताब पढ़ रहे, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है आपको। बहुत कदर है तुम्हारे, यहां दिल में झांक कर देखो। ये लीजिए दूध पीजिए। फिर हल्दी वाला दूध? अरे अभी हल्दी वाला दूध क्यों पिला रही हो, अभी तो बिल्कुल ठीक हो। सिद्धांत लास्ट टाइम जो भी आपके दर्द होगा ना वो सब दूर हो जाएगा प्लीज। वो तो तुम्हारे आने से सारे दर्द तो दूर हो चुके हैं, अब कोई दर्द नहीं बचे। आपको याद है कल कौन सा दिन? कल शायद ट्यूसडे है ना? सिद्धांत आप भी ना, कल आपका जन्मदिन है। तुम्हें याद है? मुझे कैसे नहीं याद होगा, आपके जन्मदिन की पार्टी में ही तो मैं पहली बार आपसे मिली थी। मुझे आज भी याद वो पार्टी, पहली नजर में ही तो मुझे पसंद आ गई। अच्छा ये बताओ कल मेरा बर्थडे तो गिफ्ट क्या देंगे? बताओ ना आपको क्या चाहिए। भी चैन नहीं मिलता तुम्हें? नहीं, तुम्हारे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ऐसी क्या बात है मुझमें? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया? हाय हाय मैं मर जावा, शायरी की तो महफिल सजी है आज। हाँ थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ और फिर किसी पे ट्राई कर लेता हूँ। किसी पे ट्राई कर रहा हूँ मतलब? किसी और को भी सुनाते हो? तुम भी ना आस्ता, रोमांटिक बातें चल रही होती हैं उसके बीच में तुम ये अपने डाउट का टोकरा खोल के बैठ जाती हो। अच्छा तुम रोमांटिक बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चलता ना आसमान। मेरे लिए तो तुम आज भी वही आसमान हो जिससे मैं पहली बार गार्डन में टकराई थी, याद है तुम्हें? बोरिंग टाइप। कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मारी डालोगी। आज भी याद है वो सुबह। भगवान ने आंखें नहीं दी है? आओ। ओ हेलो मैडम, आंखें भी दी हैं और तमीज भी, लेकिन शायद आपको नहीं दी हैं। हाँ, खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, खूबसूरत लड़की नहीं देखी आ गए छेड़ने। खूबसूरत और तुम? बंदर। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? हाँ बंदर कहा क्योंकि तुम बंदर ही हो। तुम छिपकली। चूहा। तुम बिल्ली। चचंदर। तुम इसको जानती हो? हाँ ये आसमान है, डॉक्टर है। एक्चुअली हम एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे। ये और डॉक्टर? एनिमल डॉक्टर होगा। हाँ जानवरों का ही डॉक्टर हूँ।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारा फ्री में इलाज कर देता हूँ। यू ना तुम, अरे क्या यू, बाय योर लैंग्वेज। आस्मा चलो यहाँ से, चलो। उस दिन प्रतिष्ठा मेरे साथ थी इसीलिए तुम बच गए, वरना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। जो डॉक्टर सबकी जान बचाता है तुम उसी की जान ले लेती। चलो अब बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है और तुम्हें भी क्लिनिक जाना है। नहीं यार, आज मन नहीं कर रहा फोन रखने का। अब रख भी दो, इतना ही है तो कल मिल लेना बस। एक्चुअली आस्था कल मुझे थोड़ा काम है, एक काम करूंगा, फ्री होकर मैं तुमसे मिलता हूँ। तो एक काम करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो सीधे मेरे ऑफिस चले आना, फिर साथ में निकलेंगे। ओके बाय जान, गुड नाइट। बाय, लव यू। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, आपकी उम्र चांद तारों से भी ज्यादा लंबी हो। इतनी लंबी उम्र लेकर क्या करूं, जिंदगी छोटी क्यों ना हो लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए, उसे में सुकून होना चाहिए। जिंदगी में जब सुकून और खुशियां नहीं होती तो जिंदगी नरक बन जाती। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए, क्या कमी है आपकी जिंदगी में? सबसे बड़ी कमी बेटी के मुंह से पापा सुनने की ख्वाहिश, और यह ख्वाहिश शायद इस जन्म में तो कभी पूरी नहीं होगी। सिट, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें दुश्मनों की उम्र लग गई और दुश्मन मर गए, इस बात पे तो कविता बन सकती है ना? आओ आओ बेटा आओ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है आज, आज से पहले कभी बर्थडे मनाया नहीं, कब बर्थडे आता था कब जाता था कुछ पता नहीं चलता था। हमेशा इस घर में तन्हा और अकेला ही होता था। ओ से, अब मैं आ गई हूँ ना। थैंक यू सब, हम दोनों की तरफ से ये छोटा सा। अरे गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेरे लिए वैसे भी गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, देने वाले की नीयत मायने रख। दिखाओ क्या लाए हैं ये तोहफे में। अरे वाह सिड, प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए वक्त खरीद कर लाएगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। वैसे वक्त को कोई खरीद नहीं सकता, वक्त तो इंसान के कर्मों के हिसाब से अच्छा और बुरा होता है। पापा नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? अच्छा हूं ये तो कह नहीं सकता, अगर अच्छा होता तो फिर यहां नहीं होता। अंकल अब आपको ज्यादा दिनों तक यहां नहीं रहना होगा। झूठ, एकदम झूठ, सब यही कह के छोटी तसल्ली देते हैं। ना तो डॉक्टर मुझे यहां से जाने देता है और ना ये मेरी बेटी मुझे यहां से ले जाती है। ले जाऊंगी पापा,
जल्द ही ले जाऊंगी। तुम तो डॉक्टर हो ना, तो आसमान तुम बताओ, क्या मैं सचमुच पागल हूं? बिल्कुल भी नहीं अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, तभी तो मैं आपसे मिलने आया हूं और आता रहूंगा। सच? तुम मुझसे मिलने आते रहोगे? बिल्कुल आता रहूंगा, और हम लोग खूब बातें करेंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, इतने दिनों बाद आपको खुश देखा ना, तो जो बात मैं नहीं कह पाई वो आंसुओं ने कह दिया। अरे ये भी कोई रोने वाली बात है? इस लड़के से मिलकर तो रोने वाला भी खुश हो जाए। बहुत अच्छा लड़का है ये। अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। क्यों पापा, मेरे सामने नहीं कर सकते आप? कहा ना, नहीं कर सकता, तुम बाहर जाओ। ठीक है पापा। तुम पास आओ। जी अंकल, कहिए। तुमने मेरी बेटी के बारे में क्या सोचा है? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। मेरी बेटी में कोई बुराई है तो बोलो। बिल्कुल भी नहीं अंकल, करिश्मा तो बहुत अच्छी लड़की है। तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसे क्या देख रही? उस दिन तो बहुत धमकियां दे रहे थे, मेरी माँ को कुछ कहा तो मैं ये कर दूंगी। जब तुमने सिट को घड़ी दी थी ना, तो मन था उस घड़ी को तोड़ के चकनाचूर कर दो, तुम्हारे सपने भी चकनाचूर हो जाते।